भोपाल में एकता नगर निवासी युवती पिता की हत्या के बाद आरोपियों को सजा नहीं मिलने से इतनी परेशान हो गई कि उसने लाइव सुसाइड की कोशिश की। किरण नाम की इस युवती ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने हाथ की नस काट ली। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उसके घर पहुंची और उसे अस्पताल ले गई और भर्ती करवाया। किरण ने गोविंदपुरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो और सुसाइड नोट पोस्ट करते हुए युवती ने कहा कि अंधा और बहरा प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है और मेरी मौत का जिम्मेदार प्रशासन होगा। मामला यह है कि 16 अप्रैल को गोविंदपुरा क्षेत्र के एकता नगर निवासी तरुण राजपूत पर उनके पड़ोस में रहने वाले मोसेरे भाइयों ने हमला कर दिया था। चबूतरे पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान स्थानीय लोगों ने मामला शांत करा दिया था। दोपहर करीब 1 बजे आरोपियों ने घर में घुसकर तरुण और उसके परिवार वालों से मारपीट कर दी थी। आरोपियों ने तरुण के सिर पर बैट मार दिया था। इलाज के दौरान तरुण की मौत हो गई थी। किरण ने कहा कि ASI अरविंद सिंह कोरो ने आरोपी महिला को बचाया है और गलत FIR दर्ज की है। तत्कालीन विवेचना अधिकारी SIRN चौहान ने तथ्यों में हेरफेर कर गलत चार्जशीट पेश की। इधर DIG इरशाद वली का कहना है कि 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इनमें 8 अब भी जेल में है। 13 जुलाई और 21 अगस्त को इस मामले में 2 चालान पेश किए गए हैं। प्रकरण फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। वीडियो में पुलिस ने उसमें पूरी कार्रवाई की है। आरोपियों के पास जो उनके आवेदन पर पहले 8 लोगों का अरेस्ट किया गया था, सब्सिक्वेंटली उन्होंने फिर उसमें कंप्लेंट की कि कुछ और लोगों का अरेस्ट होना है, तो उसमें कुछ और महिलाएं और कुछ और जो लोग हैं वो अरेस्ट हुए। इन टोटल 12 लोग अरेस्ट होकर के जेल जा चुके हैं। चालानी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, उसमें मामला सब जुड़े से, इसलिए इसके बारे में जो है अभी चूंकि कोर्ट में चल रहा है, मेरा और कहना उचित नहीं है। ठीक सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।